नमस्कार आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ट लाइव एंड इंटरक्टिव सेशन आप हमें देख रहे हैं इस वक्त हमारे पी एम ई विद्या चैनल नंबर टेन पर आज हम हमारे क्लास टेन के स्टूडेंट्स के लिए साइंस विषय के अंतर्गत आज का टॉपिक लेकर आए हैं ये है आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर सेवन जिसमें हम बात करेंगे हाउ डू ऑर्गैनिजम्स रिप्रोड्यूस लेकिन इसमें एक सब टॉपिक हमने लिया है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे स्पेशली फोकस करेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में आप हमारे इस सेशन यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जब हम इसे वहाँ अपलोड कर देंगे लेटर रेफरेंसेस के लिए भी ये सेशन आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा क्योंकि सेशन लाइव इन इंटरएक्टिव है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं फ़ोन नंबर है डबल अगर आप हमें ई लिखना चाहते हैं और क्योंकि हम आपके लिए एक होमवर्क भी लेकर आए हैं

हम आपको बता दें कि मैम टी जी टी नेचुरल साइंस है शी इज़ अ अंटो टीचर और मैम इससे पहले कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूँ और आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दें आप ये बताएं कि आज के सेशन में हम एग्जैक्टली किस टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं और इस सेशन का लर्निंग आउटकम क्या रहेगा श्योर मैडम गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों जैसे कि मैम ने आपको बताया हम क्लास टेंथ का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो आज के सत्र के माध्यम से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे इसके प्रोसेस को जानेंगे इसके टाइप्स और मेथड्स को देखेंगे और साथ में एक्सप्लोर करेंगे इसकी एडवांटेजेस को जी तो मैम फिर हम शुरू करते हैं जी मैम जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी क्या आपने कभी कोई प्लांट उगाया है बच्चों

ठीक है तो पहले हम जानेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में क्या होते हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स तो प्लांट्स के रूट्स स्टेम और लीव्स इन प्लांट्स को प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं ठीक है और इन प्लांट्स की मदद से हम पूरा का पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं तो है ना इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग जी तो अब क्या हो रहा है यहां पर एक ही प्लांट से हमें नए प्लांट मिल रहे हैं ठीक है hmm. तो ये क्या है हमारा ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन राइट अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ hmm. इसकी डेफिनेशन कहती है इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग इन प्लांट्स इन विच न्यू प्लांट ग्रोथ फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट प्लांट सच इज रूट स्टेम और लीव चलिए लगे हाथ हम इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल। पहली एडवांटेज तो हमने देख ही ली क्या थी पहली एडवांटेज थी हमारी कि सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना? जी। ऐसे प्र... प्लांट जिनके बीज नहीं होते उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मदद से उगा सकते हैं लेकिन मैम यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है जिन प्लांट्स के सीड्स होते हैं, क्या उनको भी हम वेजिटेटिव के थ्रू ग्रो, हाँ ग्रो कर सकते हैं okay. लेकिन इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए। जब कोई प्लांट सीड से उगाया जा सकता है तो हम उसे क्यों ग्रो कराए कुछ भी कुछ फायदा तो होना चाहिए इसी का फायदा है हमारी अगले एडवांटेज में क्या कहता है इट इज चीपर इजियर एंड मोर रेपिड मैथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन जी आपने बच्चों अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हम सीड से कोई प्लांट उगाते हैं ग्रो करते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन जी राइट right? सीड से प्लांट बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है और हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इस टाइम को कट शॉर्ट कर सकते हैं यानि के हम इस टाइम को स्कीप कर सकते हैं और डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं Hmm. इसकी एक और एडवांटेज है वो क्या है जी. कि ये हमारे कैरेक्टर्स की प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है right. वो कैसे आपको पता है कि प्लांट क्या होते हैं यहाँ पर जो न्यू प्लांट बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की राइट hmm. right? यानी जो कैरेक्टर्स हमारे प्लांट्स में हैं पेरेंट्स में हैं वही कैरेक्टर्स कहाँ मिलेंगे हमें अपने न्यू प्लांट में तो अगर हम चाहते हैं कि वो कैरेक्टर्स आगे पीढ़ी दर पीढ़ी सर्कुलेट होते सक्सेसिव जनरेशन में जाएं तो वहाँ पर हमें इस मेथड का जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं इसका ही यूज करना पड़ेगा सो मैम ये वेजिटेटिव तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन क्या ये वेजिटेटिव की कोई कैटेगरीज भी होती है हाँ जी मैम ब्रॉडली हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं पहला है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है means, जो कि प्राकृतिक है अपने hmm. आप है ह्यूमन के इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट के बिना हो रहा है और आर्टिफिशियल इसका ऑपोजिट जहां पर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी है उसके बिना hmm. काम ही नहीं चलने वाला ठीक है जी. तो चलिए आगे हम नेचुरल वेजिटेटिव को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं जी. तो पहले मैं आप लोगों से प्यारे बच्चों एक पहेली पूछना चाहूंगी और मैडम आप भी इसका जवाब दीजिएगा जी मेरी पहेली है, मैं का राजा। हुँ। मैं हुँ का राजा। है मेरी पर मैं देख नहीं पाता अरे सब्जियों का राजा तो मुझे बैंगे नहीं पता था अभी आंखों वाला कौन सा सब्जियों का राजा आ गया बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है अगर आपको पता तो आप हमें ईमेल कीजिए जी तो जवाब मेरे हाथ में है क्या okay. है ये इट्स पोटैटो यस दिस इज पोटैटो यानी के आलू आइए आज मैं आपको इसकी आंखें दिखाती हूँ बिल्कुल ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आलू की आंखें से आई जी. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पोटैटो है और हुँ. इस पोटैटो के यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स जी राइट बिल्कुल इन्हें बोलते हैं हम आइज ऑफ पोटैटो ओके और जब ये आलू कुछ टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहेगा तो क्या होगा तो क्या, क्या होगा? होगा ये ऐसा बन जाएगा यानी इसमें यहाँ पर ऐसे आउट ग्रोथ निकल आती है बिल्कुल हमने देखा है कि कई बार जब हम आलू को काफी लंबे समय तक अनयूज़ छोड़ देते हैं हाँ तो उसमें ग्रोथ निकलती है लेकिन मैम ये ग्रोथ किस तरीके से काम आती है हमारे हाँ जी अब ये ग्रोथ क्या होगी अगर हम इसका स्लाइस कट कर दें ठीक है इसे कट करके प्लांट में लगा दें तो हमारा गमले में लगा दे तो हमारा नया प्लांट उगाएगा यानी कि हमें अगर आलू को ग्रो करना है तो नेसेसरिली वो इसी तरह के आलू होने चाहिए हाँ जी oh, और आप मुझे ये बताइए आलू प्लांट का कौन सा पार्ट होता है oh, ये तो मुझे पता है ये है स्टेम यस राइट लेकिन स्टेम तो, क्यों होती है क्यों होती है बताइए आप क्यूँकी तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये स्टेम की तरह फंक्शन करता है राइट तो फंक्शन के बेसिस पे हमने इसे स्टेम नाम दिया है जी जी तो अब आप देख रहे हैं कि हमने स्टेम से जो कि वेजिटेटिव पार्ट है एक नया प्लांट उगा दिया तो ये क्या हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जी ठीक है अब मेरे पास आपके लिए एक और चीज है ओके ये देखिए ये क्या है ये है स्वीट पोटैटो ये क्या है बच्चों स्वीट पोटैटो जी मैम ये क्या है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है मैडम मैम अब ये भी अंडरग्राउंड ही लगता है और आलू भी अंडरग्राउंड होता है तो क्या ये स्टेम है नो दिस इज रूट 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 पर root क्यों है <laughs> क्योंकि ये का फंक्शन करती है ओके okay. ओके okay. आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे से हेयर्स हैं जो कि रूट में होते हैं hmm. राइट तो ये रूट है जब हम इसे प्लांट में लगाएंगे तो जी. क्या होगा ये तो... हमें नई शकर पोटैटो दे देंगे राइट right. नया तो यानी हमने रूट से भी नया प्लांट उगा लिया hmm. है ना जी. अब चलते हैं हम लीफ की तरफ ओके यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास लीफ है ये यूनिक प्रकार की लीफ है जिसका नाम होता है ब्रायोफिलम क्या यूनिक है इसमें जी। जैसे कि आप इसकी एजेस को देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स है ना बिल्कुल है ना ये बर्ड्स क्या करेंगी ये आहिस्ता आहिस्ता और ग्रो करेंगी जैसे कि हमारी थर्ड इमेज में नजर आ रहा है कितनी सारी लीव्स आ गये राइट अब क्या होगा कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा वजनदार हो जाएगा हैवी हो जाएगा और लीफ इसका वेट कैरी नहीं कर पाएगी तो उस टाइम क्या होगा ये लीफ से डिटैच हो जाएंगे और में गिर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा हमें नया ब्रायोफिलम का प्लांट मिल जाएगा वाओ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जी वेरी इंटरेस्टिंग जी चलिए यहाँ तो हमने पढ़े अभी नेचुरल अब जानते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में जिसमें जिसमें सबसे पहला है हमारा कटिंग कटिंग hmm. नाम से ही पता चल रहा है कि हम कुछ कट कर रहे हैं तो अभी मैं आपको एक रोज की पिक्चर दिखाती हूँ जी यहाँ आप देख रहे हैं ये रोज है राइट hmm. right? हमने क्या करा इस रोज को प्लग करने के बाद इसको कट कर दिया राइट yes. right? इसका फ्लावर हमने अलग निकाल लिया इसके नीचे की स्टेम हमने अलग निकाल ली hmm. और बीच के पार्ट को हमने निकाल लिया देन हमने इसकी लीव्स को भी यहाँ से डिटैच कर दिया राइट ठीक है और फिर ये एक अलग शेप में जो हमारे पास रोज आ गया रोज की स्टेम आ गई इसे जब हम किसी गमले में लगाएंगे तो क्या होगा नया प्लांट उग जाएगा जी बिल्कुल मैम ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है कि स्टेम को अगर हम कट करके प्लांट करें तो उससे भी एक नया प्लांट उग रहा है लेकिन रोज के अलावा भी क्या कुछ और एग्जाम्पल जब शेयर कर सकते हैं बिल्कुल मैडम आपने शुगर केन यानी गन्ना तो देखा ही होगा येस जी कैसा होता है गन्ना थोड़ा सा हम देखते हैं जी गन्ना आपने देखा होगा उसमें नोड्स होती हैं बीच बीच में हमारी नोड्स होती हैं बिल्कुल बिल्कुल ये इसकी बर्ड्स होती हैं यानी यहीं से नया गन्ना उगता है तो हम क्या करते हैं यहां से और यहां से मतलब इस तरह से कट करते हैं कि ये जो नोड है ये सेंटर में आए और जब हम इस नोड इसको काट कर नए गमले में लगाएंगे या जमीन में लगाएंगे तो हमारा नया प्लांट उगाएगा यानी कि हमें एक टेक्निक से स्टेम को काटना पड़ता है हाँ जी और तभी हम इफेक्टिवली प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जी तो चलिए कटिंग तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ गया यस अब हम दूसरा मेथड जानते हैं जो कि है लेयरिंग तो लेयरिंग क्या होती है इसको समझाने के लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है यहाँ देखिए ये क्या है एक प्लांट है आपके पास ठीक है यहाँ पर एक कंडीशन होनी चाहिए इस प्लांट की क्या कि इसकी जो ब्रांचेज हैं वो फ्लेक्सीबल होनी चाहिए और दूसरा जमीन से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए ऊँची नहीं होनी चाहिए जमीन के करीब होनी चाहिए ठीक है तब हम क्या कर पाएंगे इसे हम नीचे जो बराबर जमीन होगी वहाँ पर गड्ढा करके इस ब्रांच को अंदर दबा देंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे और कुछ टाइम बाद क्या होगा जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं इसकी छोटी छोटी रूट्स डेवलप हो जाएंगी राइट right. और एक टाइम के बाद ये रूट्स और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और इस प्लांट की शूट सिस्टम यानी कि लीव्स एंड ब्रांचेस भी निकलने लगेंगी मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हाँ है लेकिन अभी ना मेरे पास दो क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए इससे थोड़ा सा पहले जब हमने समझा कि कैसे रोज को आप स्टेम कट करके एक आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कर सकते हैं अब पटेटो केस में तो आपने कहा कि ये नेचुरल है और रोज के केस में आपने कहा आर्टिफिशियल है ऐसा क्यों जी ठीक है मैम आपने कहा कि रोज जो है वो क्या है आर्टिफिशियल क्यों कभी आपने देखा है कि आपने एक गमला लगाया हो गुलाब का और आप कहीं घूमने चले गए कुछ दिन बाद आए तो आपको दो गमले मिल गए हो या दो प्लांट मिल गए हो आपको रोज के अः हाँ होता तो है बिल्कुल हो सकता है <laughs> दो गमले मिल सकते हैं गमले नहीं मिल सकते मिल सकते हैं लेकिन वो भी ये कि अगर किसी ने प्लांट किया हो ना yes, तो नहीं हो सकता ह्यूमन yes, इंटरफेरेंस चाहिए yes. यस आपने बिल्कुल सही oh. बात कही कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी है इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं आर्टिफिशियल मेथड बोल रहे हैं लेकिन नेचुरल में ऐसा नहीं है जैसे कि अभी हमने बताया आलू को हम ऐसे ही अगर बास्केट में डला हुआ छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए तो उसमें बर्ड्सअप अपने आप डेवलप हो जाएंगी और बर्ड्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है एक नया प्लांट ग्रो करने की तो इसलिए पोटैटो जो है वो नेचुरल है और हमारा रोज, रोज जो है है वो आर्टिफिशियल मतलब yes. कि हमें पोटैटो तो मिल सकते हैं नेचुरली पर अगर रोज किसी ने प्लांट नहीं किया है तो वो नहीं मिलेगा वो करना जरूरी है जी मैडम अब मैम ये जो लेयरिंग आपने बताई ये भी अपने आप एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक प्रोसेस है लेकिन कटिंग भी तो अभी हमने जाना है तो फिर ये दोनों अलग कैसे एक दूसरे से ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैडम क्योंकि दोनों ही स्टेम से हम yes. ग्रो कर रहे हैं चाहे True. वो कटिंग हो चाहे वो लेयरिंग हो हम दोनों ही स्टेम से कर रहे हैं बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैंने अभी आपको समझाया hmm. कि रोज में क्या कर रहे हैं हम प्लांट को पहले कट कर रहे हैं यानी पेरेंट प्लांट से हम उसे अलग कर रहे हैं और जब हम उसे दूसरी जगह लगा रहे हैं जी. लेकिन लेयरिंग में जैसे कि आपको मैंने अभी बताया और हमारे डायग्राम में भी दे रखा है कि पेरेंट प्लांट से हम नए प्लांट को अलग नहीं करते वो यहाँ से जुड़ा हुआ ही रहता है जैसे hmm. कि आप देख रहे हैं और जब ये फुल फ्लेज हो जाता है यानी कि ये कैपेबल हो जाता है कि इंडिविजुअली ग्रो कर सके oh. तब हम इसे पेरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं wow. है ना और डिटैच करने के बाद क्या होता है ये खूब बड़ा होता है और बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी बन जाता है जी ये तो बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है और मैम इससे मैं आपसे एक और चीज भी पूछना चाहूंगी मतल कि मतल ये कोई एग्जाम्पल भी देख के समझाएं कौन कौन से प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जो पेरेंट प्लांट्स जब अलग होंगे तभी उनका वो मेच्योरिटी लेवल देखने को मिलेगा कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए मैम मैं आपको एक जनरल जनरल लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ जैसे कि आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस पूछा था कटिंग और लेयरिंग में तो मैं ह्यूमन का ही एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ एक बच्चा है जिसे हम चाहते हैं कि वो चलना सीखे या yeah. ठीक है तो क्या हो रहा है एक तरीका क्या है कि पेरेंट क्या कर रहा है उसे उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है yes. है ना और फिर क्या होता है जब वो चलना सीख जाता है तो पेरेंट उसकी उंगली छोड़ देता है और फिर वो चलने के बाद दौड़ना भागना so सीख लेता है आपसे है ना और दूसरा बच्चा क्या है वो खुद ही गिर रहा है उठ रहा है गिर रहा है उठ रहा है चलना तो वो भी सीख रहा है बिल्कुल है ना तो यही डिफरेंस है हमारा कटिंग और लेयरिंग में कटिंग में क्या होता है वो इंडिविजुअली खुद अपने आप ग्रो करता है लेकिन लेयरिंग में पेरेंट प्लांट का सपोर्ट रहता चारी। है परफेक्ट परफेक्ट हाँ जी थैंक यू मैम अब हम अगला जानते हैं हमारा ग्राफ्टिंग yeah. ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है यस yes. तो चलिए ग्राफ्टिंग के बारे में हम जानते हैं जी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास दो प्लांट्स हैं राइट hmm. ये जो नीचे का प्लांट है ये गमले में लगा हुआ है या हम इसे जमीन में लगा हुआ भी मान सकते हैं जी इसे बोलते हैं स्टॉक और ऊपर जो प्लांट है ये है हमारा हम्म hmm. यहाँ हम क्या करते हैं स्टॉक और सायन को एक अलग तरीके से कट करते हैं okay. जैसे कि यहां पर हमने इसे कट करते हुए दिखाया है hmm. क्यों ताकि हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख सके hmm. जैसे यहां पर हमने रखा है right. ना उसके बाद हम क्या करते हैं इन्हें एक रस्सी से या टेप से किसी भी चीज से टाइटली बांध देते हैं जी और कुछ टाइम बाद क्या होता है ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ये एक पौधा ही बन जाता है इस पूरे मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग वाह ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यानी कि एक ही पेड़ लेकिन उसमें दो दो फल जी लेकिन ये हम करते क्यों है इसका बेनिफिट क्या है हाँ ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है मैडम क्यों कर रहे हैं हम ग्राफ्टिंग इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं जब स्टॉक भी हमें फ्लावर और प्लांट दे फ्लावर दे सकता है साइन भी दे सकता है तो हम इन दोनों को फ्यूज क्यों करा रहे हैं है ना तो यहाँ पे इसका जवाब है ये जो स्टॉक होता है इस स्टॉक में इसका रूट सिस्टम जो होता है स्टॉक का जो रूट सिस्टम होता है ये वेल डेवलप होता है ओके ठीक है यहाँ पे इसको रूट सिस्टम वेल डेवलप होता है उसके साथ साथ ये एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है ठीक है और जबकि जो हमारा सायन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड ट्रेड्स चाहिए होते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट का हमें फल बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि उसी प्लांट की कॉपीज हम उगाएं तो हम क्या करते हैं उस प्लांट को लाकर इस प्लांट में लगा देते हैं राइट right? hmm. तो इस प्लांट को इससे न्यूट्रिशन मिल जाता है right. है न right. अगर हम सायन को डायरेक्ट सॉइल में लगाएंगे तो क्या होगा में भी वो वीक है वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा और वो अपने आप मतलब उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स लेकिन यहाँ रूट सिस्टम स्ट्रांग है हाँ। तो उसको पूरा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा मैम हाँ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बेनिफिट भी हमने देखे हैं और इसमें तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको एक ही प्लांट से दो दो चीजें मिल सकती हैं बट क्या वो तीन भी हो सकती हैं चार भी हो, हो सकती हैं मैडम वाओ अगर हमारे रूट में इतनी जान स्ट्रेंग है, है। स्ट्रेंथ है कि वो उगा सकता है तो बिल्कुल हो सकता तो है हमें मल्टीपल चीजें देखने को मिल सकती हैं मैम अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है हार्डली आई थिंक दो या तीन मिनट बचे हैं तो और कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे बच्चों को आप बहुत जल्दी जल्दी समझाना चाहेंगे हाँ जी मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास टिश्यू कल्चर ओके ये इंटरेस्टिंग भी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहूंगी क्योंकि ये आप कहीं पर ऐसे आम तौर पर नहीं देख सकते hmm. ये आपको लेबोरेटरी में ही देखने को मिलेगा ओके। okay. तो चलिए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है जी बिल्कुल यहाँ पर हम नाम से ही जान रहे हैं टिश्यू कल्चर यानी hmm. कि हम टिश्यू से ही नए प्लांट्स उगा रहे हैं okay. राइट तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है उसके हमने कुछ टिश्यूज लिए हैं इसके एपेक्स से राइट टिश्यू फ्रॉम एपेक्स क्यों right. लिए हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये ग्रो कर सके बहुत जल्दी okay. ठीक है फिर क्या करते हैं इस टिश्यू को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में डिप करके रखते हैं जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम होता है mm -hmm. और जल्दी जल्दी ये सेल्स क्या होते हैं डिवाइड करना शुरू कर देते हैं mm -hmm. और डिवाइड करके ये ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं कैलस ओके okay. ठीक है फिर इस कैलस को हम एक दूसरे मीडियम में रखते हैं जिसमें हमारा एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि है हमारे हार्मोन्स hmm. ये हार्मोन्स क्या करते हैं अभी जो तो हमने यहाँ पे कैलस डाला था वो क्या था सिर्फ एक अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट का सेल लेकिन कैलस में जब हम इन्हें हार्मोन डाला तो क्या होगा वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट hmm. मतलब उसमें रूट्स बनने लगेंगी उसमें लीव्स बनने लगेंगी उसमें स्टेम आएगी तो उसके बाद जब वो डेवलप हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्लांटलेट राइट ठीक है right. और इस प्लांटलेट को जब हम अलग 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 गमलों में लगाएंगे तो हमें एक एक पौधा मिल जाएगा यानी कि कि जब हम देखते हैं कि जो हमारे बॉटनिस्ट हैं वो कोई रिसर्च करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिफरेंट प्लांट्स के और भी ज़्यादा लाने के लिए तो आई थिंक वो टिश्यू कल्चर पर वर्क कर रहे होते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो आज हमने जो वेजिटेरियन प्रोपोगेशन पढ़ा इस पर हमने इतनी चीजें समझी और इस टॉपिक पे इतने अच्छे से फोकस किया और हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल्स आई मस्ट थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन थैंक यू सो मच आई एम श्योर हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आज के सेशन से से बहुत बेनिफिट मिला होगा और चलते चलते क्योंकि मैं बात कर रही थी ना क्विकली एक होमवर्क होमवर्क की तो मैम फटाफट -फड़ बता दीजिए हाँ <laughs> आप लोगों के लिए एक सवाल है और ये सवाल मेरे दिमाग में जब आया था जब मैं आपकी तरह दसवीं कक्षा में थी ये सवाल था ग्राफ्टिंग से रिलेटेड अभी हमने पढ़ा ग्राफ्टिंग जो है वो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ठीक है लेकिन ग्राफ्टिंग में तो हम एक से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने देखा ना स्टॉक अलग होता है सायन अलग होता है तो हम इसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं इसका जवाब आप हमें बताएंगे बिल्कुल और जवाब मेल स्टूडियो छोड़कर जाऊंगी और उससे पहले आपको दूंगी लाइव शेड्यूल की डिटेल्स जी हाँ सो so, ये लाइव शेड्यूल हमारे सामने है अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन जो कि होगा इंग्लिश पर और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक बाद चार से पाँच बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन साइमिल्टेनियसली हमारा परिचर्चा सेशन भी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है उसका वो भी ट्यून इन कर सकते हैं पाँच बजे का समय रहेगा सहयोग का और साढ़े पाँच बजे से हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट पर एक सेशन इसके साथ ही दिस इज मी हरप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू नमस्कार